11 मई 1946 को हंगरी में रहने वाली पोलगार फैमिली में एक बेटा पैदा होता है। उस वक्त सभी फैमिली मेंबर्स बहुत खुश होते हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर ये हंगेरियन लड़का कुछ ऐसा कर दिखाएगा जिसकी आज हम 76 साल बाद भी बात कर रहे हैं। किसने सोचा था कि माँ बाप ने जिस बेटे का नाम बड़े प्यार से लाजलो पोलगार रखा था, वो आगे चलकर द लाजलो पोलगार बनने वाला है। किसने सोचा था कि एक नॉर्मल सा टीचर कुछ ऐसा कर दिखाएगा जिससे इतिहास की किताबों में हमेशा हमेशा के लिए उसका नाम लिख दिया जाएगा। किसने सोचा था एक सामान्य से घर में पैदा हुए लड़के पर कितनी ही किताबें लिखी जाएंगी और डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी। नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हंगरी में पैदा हुए लाजलो पोलगार की।